नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपंकजं लोके जरार भय मृत्युनाशन दातारमीशं विविधौषधीना कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साज मन मोहन वस्त्रों में आदि देव विराजे कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मन मोहन वस्त्रों में आदि देव विराजे शंख चक्र जलव का घट अमृत कालिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे जय देव जय भगवन धन्वंतरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना जय देव जय भगवन धन्वंतरि सुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें दे शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना जय देव जय भगवन धन्वंतरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना जय देव जय भगवन धन्वंतरि
प्रणाम सर। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। पहले हम अपना ही वाला केस का कलवाले का ट्रीटमेंट ही बता दीजिए। हाँ 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 ठीक है। हाँ कल वाला केस आपका था। हाँ ठीक है। हाँ तो इस जो केस था उसमें सबसे पहले उनको अम्लपित्त हुआ, अधोगति अम्लपित्त, और उससे मैंने अधोगति अम्लपित्त में आप सबको बताया था कि अम्लपित्त में संधिवात की एक संप्राप्ति बनती है। जिस किसी को, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उस स्थिति में आपको ये हिस्ट्री जरूर लेनी चाहिए उसकी कि आपको कहीं प्रणाम प्रणाम से आपको कहीं संधिवात तो नहीं, मतलब कहीं जोड़ों में कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता है। पेशेंट अक्सर कंप्लेंट शुरू शुरू में ये नहीं करता है किसी से कि मेरे लिए कहीं पर ऐसी ज्वाइंट पेन की कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन शुरू शुरू में उसको थकान जैसी होती है। और जिसको जीर्ण अम्लपित्त होता है या अधोगति अम्लपित्त होता है या ऊर्ध्वगति भी होता है, तब भी उसको थकान जैसी रहती है शरीर के अंदर। तो उस स्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर संधिवात की एक, जब मैं बताया था अम्लपित्त में, तो एक उपद्रव पैदा होता है जो संधिवात के रूप में होता है। उस समय संधिवात का मतलब मैं आपको सबको पहले ही समझा चुका हूँ कि संधिवात का मतलब सिर्फ केवल हड्डियों से मतलब मत रखना या बोन से मतलब नहीं रखा जाता उसका। वहां आचार्यों ने गौड़ भाषा में जो एक व्यापक उसका जो अर्थ दिया है संधिवात का, वो संधिवात का मतलब ज्वाइंट टू ज्वाइंट, ज्वाइंट टू मसल्स भी हो सकती है, मसल्स टू टेंडन भी हो सकता है, टेंडन टू टेंडन हो सकता है, मसल्स टू मसल्स भी हो सकती है। तो ये जो जितनी संधियां, यानी कि जहां पर संधि हो रही है किसी भी चीज की, अगर कहीं पर कोई नर्व और नर्व की वगैरह संधि हो रही है, तो जैसे कि हम कभी देखते हैं कि किसी को किसी नर्व में या कोई दिक्कत होती है, तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि यहाँ से कुछ गुजर तो नहीं। अक्सर ऑप्टिक नर्व में ये परेशानी होती है, कभी कभी ऑप्टिक नर्व क्रॉस करती है एक दूसरे से, तो वहां पर जो है वो ये दिक्कत आपको महसूस होती है। और उसमें जो है हमको लगता है कि हम कोई चिकित्सा और दूसरी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम ये भी देख लेते हैं कि कहीं इसको अम्लपित्त तो नहीं है और ऐसी कोई संप्राप्ति तो नहीं बन रही है ऑप्टिक नर्व के अंदर जो कहीं संधि हो गई हो। अब वो संधि अगर हो जाती है तो वहां पर अगर वायु किसी भी तरह से अपना स्थान बना लेती है तो फिर वो संधिवात होता है। तो पेशेंट को क्या हुआ था कि संधिवात हुआ था और अम्लपित्त हुआ था, उसी से संधिवात की स्थिति आई। जब वो दिखाने गई तो कन्वर्ट हो गया रोमेटिक अर्थराइटिस, एंड दैट रोमेटिक अर्थराइटिस के बाद, क्योंकि बॉडी में पूरी तरह से विदग्ध पित्त और विदग्ध कफ होता है, और आप आम बात की अवस्था आप जानते हैं, समवाय सब समवाय समय उसमें होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक को घटाते हैं तो दूसरा बढ़ता है, और एक दूसरे से तीनों दोष जो है वो एक प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, एक गुण दूसरे से जुड़ जाता है उसका कारण ही होता है। अब गुणों की जब हम बात करेंगे तो उसमें यही बात करेंगे, गुण किससे जुड़ सकता है, कौन सा गुण किससे जुड़ने के बाद फिर अपना जो रोल है, जो अपनी जो क्रियाएं है उसको कैसे करता है, और कैसे कौन कौन से जुड़ सकता है, कौन कौन सा नहीं जुड़ सकता, यही सब चीजें जो है वो देखी जाएंगी। तो वहां उसमें उसको वो हुआ, और होने के बाद फिर शरीर की जो धातुएं थी, जो शरीर की और संधियां थी, वो भी विकृत होना शुरू हो गई, एवं फलता ओवेरियन सिस्ट और वगैरह ये जितनी भी मेदस्थि भी हो गई साथ में, तो ये सब संप्राप्तियां उभर के आ गई। मूल लोक क्या था? मूल लोक था संधिवात, मूल लोक था मतलब कहना चाहिए जो अम्लपित्त, उसकी चिकित्सा हम शुरू करेंगे शुरू से ही, और शुरू से ही जो है फिर उसको हम ऐसी चिकित्सा भी देते चले जाएंगे कि जो हम अम्लपित्त की चिकित्सा है उसके साथ साथ हम ये भी देखते चले जाएंगे कि इसमें कोई कफ वगैरह तो नहीं पड़ रहा है। अगर कफ पड़ रहा है तो हमको चिकित्सा करनी पड़ेगी, क्योंकि साथ में उपद्रव उसका तय है, मतलब पहले से ही मौजूद है शरीर के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग जब उसको ट्रीट करते हैं सोराटिक अर्थराइटिस को, वो मेन सेम कंडीशन वही होती है, बस केवल उसका स्थान जो संचय होता है वो अलग तरीके से होता है। इसमें चिकित्सा हम प्रारंभ करेंगे, तो हम सबसे पहले चिकित्सा प्रारंभ पेशेंट की करेंगे, जो करें तो आप लिखे उसके लिए मैं उसको बताता हूँ। यस सर। हाँ,
तो उसमें सबसे पहले हम पित्त का जो है, क्योंकि पित्त के कारण शरीर में पूरी में इंफ्लेमेशन है, तो हम पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण को ही शांत करते हैं सबसे पहले। द्रवता को उसकी, क्योंकि अब उसकी उपद्रव पैदा हो गया है, तो उसको भी हमको शांत करना पड़ेगा। तो वही आप अपना योग लिखें, शतावरी, मुक्ता और प्रभात। यस सर। थोड़े ही ड्रग से उसकी चिकित्सा करेंगे, बहुत ज्यादा ड्रगों की उनको आवश्यकता है नहीं। जैसे जैसे भंगोती चली जाएगी वैसे वैसे हम उसकी चिकित्सा करते चले जाएंगे। अब क्योंकि आम और कफ, इन दोनों को हमको पाचन करना है, उधर हमने जो अम्लपित्त है उस अम्लपित्त में भी द्रवता को कफ करते चले जाना। तो शतावरी के अलावा और दूसरा ज्यादा कोई ड्रग हम इसमें यूज नहीं, शतावरी है, मुक्ता है, ये दे देंगे, आम बतारी रस देंगे। अच्छा ठीक सर। यस सर। पंचकोल चूर्ण देंगे। यस सर। और द्राक्षा अबले ही मिल जाए तो वो द्राक्षा अबले दें। द्राक्षा अबले है ना, ठीक है। यस सर। तो द्राक्षा अबले दें एक चम्मच सुबह शाम। सर पंचकोल भी है, ढाई ग्राम, ढाई ढाई ग्राम। पंचकूल नहीं देना, पंचकूल नहीं देना। आपने बोला है अभी? नहीं, मैंने आमबाचारी बोला। नहीं, दोनों बोले सर आपने। पंचकूल बोला? हाँ सर, बोला था। पंचकूल बोला है, एक मिनट रुको। पंचकूल काट दूंगा। ठीक है सर। सर आमबाचारी रस कितना देना, एक एक? आमबाचारी दो दो बोली। अच्छा ठीक है। दशमूल और एरंडेल, द्राक्षा वो लिख लिया आपने? द्राक्षावले। यस सर। ठीक है, दशमूल और एरंडेल, 20 ml दशमूल और 10 ml एरंडेल। यस सर। और एक देंगे पित्त शिखर रस, बस। सर इसको एरंड तो ऐसे पानी से देंगे ना सर? दशमूल में मिला के देंगे। अच्छा अच्छा, मिला के, ठीक है ठीक। दशमूल 20 ml और एरंडेल 10 ml, इसको मिला के रात को दे देंगे। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। इसमें ये ट्रीटमेंट पहले ये एक महीने पूरा ट्रीटमेंट चलेगा इनका। ठीक है सर। एक महीने चलाते रहना, एक महीने के बाद फिर इनके ड्रग चेंज हो। पित्त शिखर रस सर एक एक सुबह शाम दे दे? दो दो गोली सुबह शाम। सर एक पेशेंट में हमने दिया था तो सर उसको दिक्कत हुई थी बड़ी, उसको उलझन, वो पूरा मतलब पूरा प्रिस्क्रिप्शन लेके वापस आ गई, तो फिर मैंने उसको पित्त शिखर ही काटा। सर पित्त शिखर का क्या हो जाता है? पित्त शिखर काट दिया, कोई नहीं, आम का पाचन नहीं हो पाया होगा इस वजह से जो है भारी पड़ गया होगा। कोई खुजली वगैरह हुई थी? हाँ सर, पूरे में वो एकदम परेशान की बोली, बहुत उलझन हो रही है, परेशान हो रही है, तो फिर मुझे हटाना पड़ा उसे। बाकी ट्रक उसके हरित की देरी से चल रहे थे तो उसमें खाली एक यही नया ऐड किया। हरित की देरी अगर मरीज को तो अच्छा अच्छा कभी भी ऐसा लगे तो हमारे पास एक ड्रग है, वो ड्रग जो है हमेशा अगर किसी को कुछ कोई भी ड्रग से ऐसा लग रहा है कि इसको कोई इसके बॉडी के मतलब कहना चाहिए होमोलोगेट नहीं हो पा रहा है तो फिर हरित की दे दो साथ। अगर वो खा चुका है तो हरित की दे दो, वरना हटा दो, कुछ दिन हरित की का प्रयोग करने के बाद फिर उसको वही ड्रग दोगे तो फिर वो उसके सामने तो फिर उसके जो है होमोलोगेट हो जाएगा। ठीक है सर। और किसी का कोई केस है तो रख ले। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम सर। उस दिन जो अम्मा जी वाला केस डिस्कस किया था एवियन वाला, सर उनको रात में 10 ml दिया था वो एरंडेल और 20 ml दशमूल को आके, तो सुबह उनको 4-5 बार दस्त हुई और गैस काफी कहरती बन गई थी, तो मैंने दूसरे दिन जो है एरंडेल 1 चम्मच करा दिया और वो 15 ml करा दिया दशमूल को आके, तो सर आज सुबह भी जो है वो 2 बार हुई थी, पतले दस्त टाइप से ही हुआ था। तो सर और डोज मैं कम करा दूं क्या एरंडेल की? हाँ कम कराओ, कम कराओ। 2.5 ml सर, 2.5 ml फिर आज कर दूं? जी ठीक सर, थैंक यू सर। और रखेंगे कोई? सर एक लड़की थी 11 साल की और उसको सर वो मीनार की उसकी जल्दी हो गई थी और उसको 8-9 दिन तक होती थी, 15 दिन बाद फिर दोबारा रिपीट होता है सर उसको, और कॉन्स्टिपेशन उसको नहीं है। पहले भी डिस्कस किया था ये?
हाँ हाँ सर उसको डिस्कस किया था, हाँ फिर लेकिन फिर वो दोबारा आ रही थी, कह रही थी कि मुझे आराम नहीं मिल रहा है सर। तो क्या कह रही है सर? सर उसमें आपने ये दिया था उसका ट्रीटमेंट कहाँ खो गया सर मेरे से, मैं भी ढूंढ रही हूँ सर, तब तक आप दूसरा केस लीजिए। कोलब सिंह आप बताओ। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था सर, आरोग बदनी बटी और लिवर की सिरप थी, सूस्य का रस था, एरंड और दसमूल और लवण भास्कर चूर्ण और अजमोदाद चूर्ण। तो सर वो बहुत ज्यादा मतलब गैस बनती थी, वो गैस पास होती थी गरम गरम, और चेस्ट चेस्ट में बाई और उसके जस्ट रिप्स के नीचे दर्द होता था, जब गैस पास नहीं होती थी तो दर्द होता था, और मोशन भी क्लियर नहीं होता था, कभी दो बार जाना पड़ता था, और मल कभी मतलब गांठ सी मतलब हल्की गांठ सी निकलती थी, कट कट के मल गांठ गांठ जैसा। तो ये ट्रीटमेंट लेने हमें करीब 14 या 15 दिन हो गए सर, तो रिलीफ तो है लेकिन मल अभी भी सही से एक बार में मतलब कभी दो बार जाना पड़ता है, कभी एक बार में क्लियर हो जाता है, बट मल अभी भी कट कट के आता है, क्लियर नहीं आता है सर, और कभी कभी बाई तरफ मतलब चुभन जैसी होती है, और रिब्स के नीचे कभी दर्द होता है तो वहां पे ऐसे दबाने के बाद फिर दर्द खत्म हो जाता है सर। और अब तो गैस उतनी नहीं पास होती थी, पहले बहुत ज्यादा गैस पास होती थी सर। अच्छा जी सर, ये कंडीशन है सर। कितने दिनों और क्या क्या दवाई बताओ, कौन कौन सी दवाई सर? आरोग्य वर्धिनी बटी और लीवर की सिरप थी सर, और गुटे का रस था, और एरंड और दसमोल लवण भास्कर चूर्ण और अजमोदाद चूर्ण सर। अच्छा एक काम करो जी सर, ये लवण भास्कर चूर्ण तो जैसे ही रखो, अजमोदाद चूर्ण बंद करो। जी सर। जी जी हाँ, और इसके साथ में इसको हटा के लवण भास्कर को भी हटा दो, उसके साथ में सिवा 4-5 दिन चूर्ण करो। जी सर, खाना खाने के बाद ही लेना है सर। हाँ, सूस से करो हटाओ। जी सर, उसके साथ में काम उसके मतलब रिप्लेस करो उसके पंचामृत, क्या नाम है, फिरवाल पंचामृत। फिरवाल पंचामृत जी सर, बस इतना जो और है। और सर जी सर, जी सर, और सर एक केस डिस्कस किया था मैंने, एक फीमेल पेशेंट था, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था सतावरी योग चल रहा था, सूस्य का रस चल रहा था, आरोग्य वर्धिनी बटी, लिवर सिरप, सिवासार चूर्ण और दसमूल, एरंड और तिक्त घृत और पुनर्नवा मंडूर। उन्हें क्या था, उन्हें मतलब उदावर्त जैसी कंडीशन थी, मेंस्ट्रुएशन आ नहीं रहे थे, दो तीन महीने हो गए तब से मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, जब मेंस्ट्रुएशन आते थे पहले तो क्लॉटिंग टाइप का ब्लैक ब्लैक मल पास हो मतलब निकलता था ब्लड, और आलस बहुत रहता था, और हिचकी आती, उद्गार जब आता था तो खाने का आता था, और मल के साथ कभी कभी सफेद सफेद मल जैसा निकलता था, आव जैसी, और पेट में भारीपन था, हथेलियों में जलन थी, और एनस में खिंचाव जैसा रहता था सर। और इस समय करीब उन्हें 15 दिन ट्रीटमेंट लेते हो गया है, तो मोशन वो कभी एक बार जाते हैं, कभी दो बार जाना पड़ता है, और नाभि के नीचे बहुत लाइट दर्द रहता है सर, और कभी कभी मतलब आलस रहता है, कभी कभी नहीं आलस रहता है, लेकिन मल अभी भी टाइट ही आता है, और म्यूकस जैसा निकलता है, और पेट में कभी कभी भारीपन रहता है, कभी कभी नहीं भारीपन रहता है, और मल जो आता है सर काला आता है मल अभी, और अग्नि सही है, और उन्हें मिट्टी खाने की मतलब इच्छा चलती है कि मैं मिट्टी खा लूं, लेकिन खाती नहीं है सर। पहले मिट्टी और जो एनएस रीजन में नहीं, पहले भी मिट्टी नहीं खाती थी, चौक खाती थी, चौक नहीं जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है सर, वो उन्होंने पहले खाई थी। अब उनकी दवाई खत्म हो गई है?
हाँ दवाई खत्म हो गई सर, शतावर योग चल रहा था, सूर्य शेखर रस था, आरोग्य वर्धिनी बटी थी, लिवर सिरप था, शिवाचार चूर्ण था, और दशमूल स्वाद था सर, और तिक्ता गर्स था, और पुनर्नवा मंडूर। मैंने बताया था क्या? हाँ जी सर, ये सूस्ती सरस मैंने बताया था क्या? जी सर, जलन पड़ती थी पहले। अच्छा, ये सूस्ती का रस काट? जी सर, काट दिया सूस्ती का रस। इतना तो मैंने कभी नहीं लिखा यार अपनी। नहीं सर, बताया था सर आपने। ठीक है जी सर। हाँ, शतावरी वाला योग है, पुनवा मंडूर है, और पत्नी है जी, और तिक्त ग्रत है सर। ठीक है चलो, मुझे ठीक है चलेगा। और शिवाचार चूर्ण है सर। शिवाचार जी सर, दशमूल और एरंड तेल है, और लिवर सिरप है सर। चलने दो बस, वो सूर्यशेखर काट, सूर्यशेखर काटना, आरोग्य वर्धिनी बट्टी चल रही थी सर। चलने दो, आरोग्य वर्धिनी चल। और सर मेन से सभी भी नहीं आए सर, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये ठीक हो जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का है सर? एक पेशेंट आज आई थी, तो उसको थोड़ा सा पूछ लूं। पूछो। हाँ सर, एक 34 साल की एक लड़की लेडी आई थी, 34 इयर्स की, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है सर। तो पहला बच्चा उसका 10 साल पहले सीजर से हुआ था, और बता रही थी कि तीन चार साल पहले उसने एक एबॉर्शन कराया था सर। और अब उसको सेकंड प्लानिंग कर रही है, तो 2 साल पहले उन्होंने अपना वो HCG टेस्ट कराया था, तो उसमें वो लैप्रोस्कोपिक उनका टेस्ट हुआ था, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपिक हुई थी, तो उसमें उनका बायलेटरल जो दोनों साइड्स की ट्यूब है दोनों ब्लॉक आई है। तो बता रही थी, अभी रिपोर्ट तो नहीं लाई थी, लेकिन ये बता रही थी कि एक तरफ से हार्ड है काफी ट्यूब, और एक थोड़ा सा लेकिन ब्लॉक दोनों है सर। मैंने कहा अपनी रिपोर्ट भेजना, तो फिलहाल दोनों ब्लॉक है, और प्रेगनेंसी चाह रही थी। तो सर उसको उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी अजीब थी, लाइफ स्टाइल थोड़ा अजीब था, तो थोड़ा सा मैंने पूछा उसे। तो सर उसको ना इस समय काफी परेशान है, लेकिन उसका सर खाने पीने का और रहने का स्टाइल, जैसे रात में वो जगती है, रात भर जगती है, 3 बजे सोती है, और सुबह 7 बजे उठ के जो पहले बेबी बच्चा है जो साल वाला उसको स्कूल के लिए तैयार करती है, फिर 9 बजे फिर सो जाती है, और 12 से 2 तक सोती रहती है। अरे ये उसका सोने का शेड्यूल है सर। तो सर जब रात भर दिन भर 2 बजे तक सोओगे तो फिर रात में नींद तो नहीं आएगी ना जल्दी। एक तो ये कारण हुआ उसका। खाने पीने में भी सर वो मीठा चॉकलेट्स वगैरह ज्यादा खाती है, टॉफीज खाती है, और बहुत ज्यादा मतलब उसको चाहिए पूरे टाइम कुछ ना कुछ चॉकलेट टॉफी। और सर चाय पीती है दिन में कम से कम 15-20 चाय पीती है। खाना खाती है कि नहीं? खाना खाती करी, घर का खाते हैं, भूख बहुत लगती है सर। मैम इतनी चाय तो फिर तो पूरे नहीं सर। मैम लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं दे रही कि मुझे कोई मतलब एसिडिटी होती है, वो अपनी तरफ से कोई हिस्ट्री उसने नहीं दी। चाय पूड़ी उसकी फेवरेट डिश है, और बाकी वैसे पूड़ी पराठा फ्राइड खाती है, कहती है घर का खाते हैं, लेकिन बाहर का भी जब मैंने थोड़ा सा निकलवाया तो पता चला पिज्जा बर्गर इस टाइप की चीजें खाती है। तो अब दोनों ट्यूब बंद है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम और चाह रही है कि कैंसर वैंसर हो जाए इसी तरीके से। सर स्मोकिंग भी करती है ले ओ। लेकिन सर जो ना सर वो लेकिन वो बता रही थी कि ये जो स्मोकिंग तो बाद में शुरू करी है, ट्यूब ब्लॉक टेस्ट पहले आ गया था। अच्छा तो ठीक, घम बुलाने के लिए। हाँ उसको सर कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड्स की कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड साइकिल नॉर्मल है, वो कोई फ्लो भी सही है, बस एक हेडेक होता है, और हस्बैंड उसके बता रहे थे कि थोड़ा सा इरिटेबल है, मतलब जल्दी इरिटेट हो जाती है।
चलो क्या करें बताओ पवन जी, नीरल जी बताओ इसमें क्या करें। मेरा तभी से फोन आ गया सर, मैंने पूरी हिस्ट्री सुनी ही नहीं केस की, किसी का सर बीच में फोन। सबसे पहले तो जो जब तक हेतु सेवन बंद नहीं होगा ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं, आप पूरी क्या कहते हैं लाइफ मैम, स्टाइल। दोबारा दोबारा बताएगी मैम एक बार। और सर मैं इसको प्रतिशाही की भी हिस्ट्री है, कफ की वृद्धि है पूरी तरह से जी, प्रतिशाही भी रहता है उसको, बता रही थी शुरू से काफी टाइम से है ये प्रॉब्लम। मैम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले साफ साफ बोल दीजिए कि आपको अपनी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज करनी पड़ेगी अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो, क्योंकि हमारा तो आहार विहार सबसे पहले ही। हाँ हाँ मैंने वो वही सुना है, तो कह रही थी कि हम करेंगे। जी बोली थी प्रेगनेंसी के लिए कुछ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, छोड़ देंगे, तो मैंने कहा ठीक है अगर कर पाओ तो फिर करो, पहले तो यही चेंज करो। हाँ पहले तो अपना यही सब जो पूरा कर रखा है वही। चलो फिर कहाँ सर से क्या देना है, कहाँ से शुरू करें सर, वो बताओ। तो वो करें हम लोग, क्या करें बताओ। आप बताओ जी सर। मैं सर, मिलल सर सबसे पहली बात है इन्होंने कफ वृद्धि करके अग्निमान कर रखा है, तो अग्नि को दीप्त करना है ठीक है। नहीं सर भूख तो बहुत लगती है मैम। मैम उसने कफ ने उसको आवृत कर रखा है, जैसे सर बोलते हैं ना हाँ। जो वो उसको भस्मक रोग जैसे हम लोग बोलते हैं तो वहां पर अग्नि दीप, लेकिन जी ये कितना कह रही है भूख लग रही है तो अग्नि बढ़िया है। हाँ क्योंकि अगर वो ये दिमाग बिल्कुल निकाल देना। हाँ नहीं तो सर उसको भूख भी बढ़िया लग रही है, डाइजेशन भी हो रहा है, मोशन भी क्लियर हो रहा है, तो इसको आप नहीं कहेंगे कि अग्नि अच्छी है। मैम दांत वो मैंने झूठी भूख एक बार बताई थी ना सर, मैम की बात बार बार वो करके झूठी भूख लगती है जी। थायराइड नहीं है मैम, थायराइड वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट कितना है मैम? मैं वेट भी 68 के करीब है, 5'4" हाइट होगी, 5'5" भी हो सकती है। यस सर 68 के आसपास वेट है इसका। और वैसे कोई इसको डाइजेशन में आप करें, भूख सही लग रही है, अच्छा खास ज्यादा खाना खा रही है ना? हाँ यहाँ क्लिनिक में यहाँ बैठी थी हॉस्पिटल में ओपीडी में, तो ही वो कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा क्या खाओगी अब, तो बोली नहीं ऐसा नहीं खाऊंगी, मैं हाइजीनिक देख के खाती हूँ और मैं एप्पल एप्पल खा लूंगी कुछ जाके। सर तो यहाँ पर अग्नि को वर्क करना है, अग्नि को साम करना है, यहाँ पर जो अग्नि तीव्र हो रखी है उस चीज को मतलब सही करना है, और बात का अनुमन करना है, ये दोनों कार्य सबसे पहले करना है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल को सबसे पहले सही करना है, आहार विहार उसको सही करने के लिए बोल दीजिए, और उसके बाद गायनिक डिसऑर्डर पे तो हम वैसे मेंसेसिस भी बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी उसकी स्टार्टिंग से थी वैसे ही है, 3-4 दिन पीरियड्स होते हैं, फ्लो भी ठीक है और टाइम भी आता है। ठीक क्या करेंगे सर इसका, इसको अग्नि तो इनके हिसाब से तो वृद्धि है, लेकिन वो जो है वो कफ का आवरण जो है उसे हटाना होगा सर। इसमें जो ट्यूब है उस ट्यूब में जो पैरास्टेलिक मूवमेंट होते हैं ना, यस सर, पैरास्टेलिक मूवमेंट कम होता है, और पैरास्टेलिक मूवमेंट होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उसकी जो रस्में पिछलता बढ़ गई, स्थिरता बढ़ गई, और स्थिरता के साथ उसकी गुरुता घटी है। तो गुरुता का मतलब नीचे जाने वाला द्रव धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और नीचे होने वाला जो द्रव है वो धीरे धीरे करके जाएगा, तो फिर वो पहले चिपकेगा और फिर उसको सही करने के लिए उसको वो कैसे हो गया, और क्योंकि वहां पर जो शुरू शुरू में ही पहली अवस्था पाक है उसमें या दूसरी अवस्था पाक है उसमें जो रस धातु है वही विकृत होगी, और वहां पर जो है फिर हमको वही काम करना है, वहां काम करेंगे, और फिर वहां से जैसे ही काम वहां मतलब हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी किसी तो धातु अग्नि का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ेगा तो लेवल का मतलब धातु अग्नि की जो कार्य क्षमता होगी वो स्वतः ही अभी ठीक है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन रस पहुंच रहा है, इसलिए जो है
वो रस जो रसाग्नि है वो जो है थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसको अब रसाग्नि को बढ़ाना है, तो हमको तपास से शुरू करना है उसको। और जो इतनी भी ये जो इनके परहेज है वो आपको पता चली गए होंगे कि क्या परहेज कराने हैं। यस सर, इतनी भी चीजें हैं जो ज्यादातर कहना चाहिए जो फास्टी फूड है ये सो वो और जो खाती सिंपल उस पर ले आओ उसको, कहना आप दाल रोटी सब्जी आराम से खाइएगा, आपको चावल नहीं छूना है, आपको बहुत ज्यादा मीठे मीठे खाने की इच्छा कर रही है तो आप जो दूध से बनी हुई में मीठा है वो दूध से बना हुआ खा सकती है, लेकिन इतना नहीं, सीधे सीधे डायरेक्ट चीनी मत खाना। या जो चाय पीने का आपका जो शौक है वो इतना नहीं होना चाहिए, एक आध कप चाय पिए तो बिल्कुल स्टॉप करते हैं, क्योंकि वो चाय का अपना वायरस होता है और वायरस जो है वैसे भी स्तंभक होता है, तो स्तंभ पैदा हो रही है शरीर के अंदर, उधर दोष भी अपना जो है पूरी तरह से पिछलता स्थिरता को पिछलता से चाय तो बल्कि बंदी करा देना, उनसे कहना बस एक आध चाय पियो, हालांकि ऐसे पेशेंट मानते नहीं है लेकिन फिर भी कह रही है कि हम करेंगे, तो उनको फिर ये सब बंद कर देना। कसाय रस नहीं जाना चाहिए, जा रहा है तो वो की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो शरीर के अंदर जाके कोई किसी भी दोष को जो विकृति भी पड़ा है उसको रोके ना, तो पृथ्वी महाभूत अगर ज्यादा हो जाएगा, पृथ्वी और वायु दोनों साथ में मिलेंगे तो ये स्थिति आएगी। आई उधर क्या है उसके जो वो इसी के कारण जो है उसकी फैलोपियन ट्यूब जो है वो दोनों ही ब्लॉक है, उसमें जो भरा हुआ है वो रस का ही पार्ट है, और उसको खत्म करने के लिए हमको अब औषधियां हैं, वो औषधियां कोई भी बता सकता है, आप बता दो मीनल जी, बता दो आप। देखो इसमें एक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का जो ड्रग है, सबसे पहले अगर हम उसी पे काम करें सीधे सीधे जैसे तो, वैसे मैं भी दे देता हूँ, लेकिन आज मैं उसका बिल्कुल सही का सब है, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल सही कह रही है। तो आप जो है सबसे पहले तो वो चार ड्रग लिखो, यस सर, वो देना उसको, हाँ चारों सिरप सर, चारों सिरप आसावरिष्ठ, हाँ यस सर, उसके साथ में लगाना कुशधन बरस, यस सर। कुशधन बरस की एक विशेषता होती है कि कुशधन बरस किसी भी जगह दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुशधन बरस जो है वो हम मेल फीमेल में देते हैं, मेल में देते हैं जहाँ पर वायु यहाँ पर वायु की प्रतिलेम होने की स्थिति हमको पता लगती है, वहां पर हम किसी सोर्स में वहां पर उस धनबरस दे देते हैं, इवन जो लिवर की डिजीज होती है उसमें भी दे देते हैं, जैसे कि हाँ लिवर की डिजीज होती है उसमें भी दे देते हैं, मैं बताऊंगा तो उसको पुष्प धनबरस देने की बहुत आवश्यकता है, तो दो गोली सुबह दो गोली शाम को शुरू में दे देते हैं। यस सर, उसको क्योंकि अब क्योंकि एक मूवी ड्रग देना है जो पूरी तरह से आम का और कफ का पाचन करे, तो त्रिभुवन कीर्ति रस और आम्बातरी रस। अच्छा हाँ यस, त्रिभुवन कीर्ति रस और आम्बातरी रस। अब उसको करना क्या है कि ये हमने दे दिए, एक बाय भी दे दिए, विकासी भी दे दिए, सूक्ष्म दे दिए, स्रोत को खोलने वाले भी दे दिए, सोथर भी दे दिया, और जो हमको रस पे काम करना है वो ड्रग सर आरोग्य वर्धनी, हाँ वो ड्रग हमको काम करना है, तो अब आरोग्य वर्धनी आप उसको ऐड कर दो, एक लीवर का सिरप ऐड। यस सर, अभी तो फिलहाल ये चलना है, बाद में उसके स्त्री व्याधि रस और ये सब दुनिया भर चलने सर, इसमें वायु की रुक्षता है उस पे नहीं करेंगे सर, इतनी रात्रि जागरण है, इतना सा स्मोकिंग और चाय वगैरह, हाँ हाँ अभी अभी वो तो चाय तो हम बिल्कुल बंद ही करा रहे हैं, नहीं सर मतलब मैं कि वायु तो होना चाहिए इसका एरेंड और दसवीं तो उसमें बात का इसमें कुछ नहीं, वो ध्यान देंगे हम लोग नहीं अभी बताया तो चाहिए पर वो बताएगा ना, नहीं बताया एरेंड तेल है एरेंड अभी नहीं सर, हाँ आम बतारी इसमें एरेंड तेल है जी जी यही दो सुबह शाम उसको दिया, अलग से कोई बात अनुलोमन औषधि इसलिए अभी नहीं दे रहे हैं, एकदम बात अनुलोम होगी नहीं, क्योंकि जब तक वहां ऑब्स्ट्रक्शन है बात अनुलोम कैसे हो जाएगी, पहले छेदन भेदन हो जाए उसका अच्छी तरह से वहां तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद वायु का अनुलोम करेंगे। अब वायु करेंगे क्या, ट्यूब तो वैसे ही दोनों ब्लॉक है, तो अनुलोम कहाँ से करेंगे जब तक वहां पर
जो हमारा अवरोध है, जो वास्तव में रस का अवरोध है, रस की स्निग्धता के कारण ऐसा हुआ है, तो उसको तो हमको कर्म करना ही करना है। एक चीज मेरे को आप समझ में आई, ध्यान दिलवा दिया आपने उसको, हाँ नस देंगे उसको, नस आप दीजिएगा। और एक एक दशमूल क्वाथ दे देना उसको, 30 ml सुबह, 30 ml शाम। किसका नस देंगे? नस से वो 30 ml, वो चार तो वो हो गए, एक दशमूल क्वाथ भी हो जाएगा। हाँ दशमूल क्वाथ भी रात को ही दे देना मैडम उसको, अपान वायु भी अच्छी होगी। सर अगर ऐसे कोई पेशेंट होता है जिसकी 15 दिन, किसका बताया सर आप? नस आड़ू तेल का दे दो उसे सीधे, तीक्ष्ण नस सीधे। उसमें भी जो है वो कफ है, तो कब तो सीरीज मैंने बताया ना कि जिस तरह से मैंने शायद एक बार बताया था कि जिस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय कंडीशन बनती है कि कभी कभी नक्सरी छूट जाती है, ऐसे ही इसमें क्या होता है कि शरीर से बाहर नहीं जा पाता है, तो वो भी क्या होता है रस रूप होता है, वो सीधे सीधे हमारे जो दूसरा मार्ग उसका तो कोई है नहीं, वहां से जाने के बाद तो सीधे सीधे वो हमारे जो प्राणवय सूक्ष्म है उनमें ही आके वहां पर उसका धाम है, वहीं जमेगा और वहीं पर जो है पूरी संप्राप्ति बनाएगा। यस सर, वो जो प्रतिशाय की जो इनकी हिस्ट्री है वो भी इसी से हो जाएगी कवर? तो मैं उसी को तो बता रहा हूँ कि वो वही कप जो है पूरे शरीर से इकट्ठा होके जब जाता है तो और तो रास्ता भी नहीं करेगा लौट के। ठीक है, ठीक ठीक। यस सर। सर ये जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एडिक्शन इतना ज्यादा होता है चाय का, उनका सर एकदम से बंद कराना सही रहता है? एकदम से पूरा जैसे 20 वो लगातार पी रही है मैम, वो कन का सब भी तो जा रहा है ना उसमें बैलेंस। तो मतलब सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो हम ऐसे बंद करा सकते हैं सर, जैसे गुटखा विड्रॉल को? मैम उसमें देखो मेरी बात सुनो, इस विड्रॉल को कम करने के लिए कहा था कि मैंने उसे कहा तुम सौंफ लो और एक दो ब्लैक टी कर दो पहले उसकी जगह पर। अजवाइन सर, अजवाइन चबाने के लिए सर, जैसे आप कहते हैं कि ऐसे कोई एडिक्शन हो तो थोड़ी थोड़ी अजवाइन मुंह में भाव प्रकाश। मैम अजवाइन तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए सौंफ कह दिया था मैंने थोड़ा सा। मैम अजवाइन का वो डी एडिक्शन वाला है ना कुछ, अच्छा सर ने थोड़ा थोड़ा दो दो दाने अजवाइन का अर्क दे दीजिए मैम, तो कहिए बार बार अजवाइन का अर्क ले। हाँ भाव प्रकाश में इसको अजवाइन के बारे में लिखा है, वैसे तो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि जो शराबी व्यक्ति होते हैं उनको जो है वो एक इंडिकेशन दिया है कि किसी का भी एडिक्शन हो, लेकिन इंडिकेट उन्होंने ये कर दिया है कि शराबी व्यक्ति के लिए दें, लेकिन अगर किसी को अगर कोई छोड़ना चाहता है और उसको है तो वो अजवाइन किसी भी एडिक्शन में, चाहे वो क्या बोलते हैं उसे, हीरोइन है हीरो, मतलब हीरोइन। ये शायद सल्फर डिमांड की, जो बॉडी की सल्फर डिमांड बढ़ जाती है उसको सर वो रिग्रेस करता होगा। जो हमारी इच्छा एकदम से इच्छा करने लगती होगी वो देते हैं। और आचार्य चरक ने जब पत्र और अपत्र का ये बताया है तो आपको पता ही है 21 दिन का उन्होंने बताया है कि 21 दिन में किसी भी पत्र और अपत्र को जो है वो आप छोड़ें या फिर उसको जो है विड्रॉल 21 दिन में अंतर भी बताया है कि इतने इतने दिन के बाद उसको अपत्र भी खिलाना है और पत्र का भी सेवन करना है, दोनों को बताया है कि जो चीज छिड़ा जो चीज छोड़ा रहे हैं उसको एकदम नहीं छोड़ा दें, पहले पथ जो है 2 दिन दे दें, फिर तीसरे चौथे दिन जो है उसको अपथ्य दें जो खा पी रहा है, फिर 2-4 दिन और गेप दें, इस तरह से उन्होंने बताया है। तो 21 दिन का पूरा एक शेड्यूल है उसमें चरक संहिता में। जी सर, जी सर। हाँ कि कैसे कैसे पथ्य को इंक्लूड करना चाहिए और अपथ्य को छोड़ त्याग करना चाहिए दिया हुआ है, उस शेड्यूल है वो करना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसे ही बता देते हैं कि आपको 2-3 दिन छोड़ना है, फिर 5वें दिन कोई आया तो हम उसको बोल देते हैं कि छोड़ना नहीं है आपको, वो चीज लेनी है 4थे दिन जाके वो लेनी है और पेट भर के ले लेते, उसके बाद फिर 5 दिन का गैप करें, फिर उसको पथ्य खिलाएं, फिर अपथ्य फिर एक बार कर दें, इस तरह से 21-22 दिन। और कभी कभी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जो वैसे होते रोगी होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, 2 महीने में उनका हो जाता है। उधर अजवाइन दीदी कि आपको कम से कम 1-2 चम्मच अजवाइन शाम तक आप 4-5 दाने करके, जिस तरह से लोग सूरती उरती खाते हैं ना घर में रख लेते हैं, दो डिब्बी होती है उसी में डाल लो और अपना निकाला और 5-7 दाने डाले और उसके बाद में जो है फिर उसको
चूसा आपने चबाते रहे इस तरह से, वो पूरे दिन में आपको दो चम्मच अजवाइन लेनी। तो धीरे धीरे करके फिर अजवाइन को भी एक चम्मच पे लेके आ जाना, क्योंकि अजवाइन का भी एडिक्शन होता है, ड्रग भाई है कभी, हाँ एडिक्शन होता है। यस, हमारे एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, हम देखते थे हमारे रिश्तेदारी में थी, तो 24 घंटे अजवाइन खाती रहती थी, और मुश्किल से थी 7 साल, और उसकी आदत जब से पड़ी तो उन्होंने बताया, और वो जब तक शादी हो गई थी तो शादी में बैठ के अजवाइन खाती थी, मतलब उधर फेरे पड़ रहे थे उधर वो अजवाइन खा रही थी, तो उसको बहुत सर, एक हमारे अभी हमारे नॉन में भी थी, हाँ तो वो अजवाइन उधर खा रही थी, उसको अजवाइन का एडिक्शन था, और अजवाइन का एडिक्शन हो गया तो उस समय तो हम कुछ जानते नहीं थे भाई अजवाइन का एडिक्शन जो है वो कैसे छोड़ा जाता है, कैसे इसका मतलब किया जाता है, उसमें बहुत समय हो गया इस चीज के लिए। हम भी उस समय आयुर्वेद में ऐसे ही थे, लेकिन फिर भी जो है अब समझ में आ गया कि शहद मधु से अजवाइन का एडिक्शन छोड़ा है, जितनी बार वो उसने वो लिया है उतनी बूंद रोज जो है वो मधु देना है, फिर बीच बीच में ऐसे करना है तो उसको तो कम से कम 4-5 महीने लगते हैं, क्योंकि वो तो हमारा एक महाभौतिक ड्रग है, वैसे तो सब महाभौतिक ही है, लेकिन जो वैसे वाले जो है उनमें एकदम पोटेंसी होती है, जो केमिकल वगैरह होते हैं उनमें पोटेंसी होती है महाभौतों की, तो इसलिए उनको छुड़ाने में जो है थोड़ी सी, हाँ का एडिक्शन हो जाए तो क्या दें सर? किसको? हेलो सर, हाँ हाँ, इलायची का एडिक्शन हो जाता है तो क्या दें सर? मधु दे दो उसको, इलायची, हाँ हाँ मधु, मधु दे, ठीक, जितने भी हमारे सुगंधित द्रव होते हैं, ठीक है, उन सुगंधित द्रव में जो है वायु की और पृथ्वी महाभूत होता है, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं गंधगुण उसी के अंदर होता है, ठीक, तो गंधगुण को शांत करने के लिए हमको जो शहद है उस शहद अपने प्रभाव से रूक्षता को पैदा करता है, तो वहां पर जो है उसका एडिक्शन खत्म हो जाता है। सर एक प्रश्न मेरा है, यस सर, आपके मामा जी कैसे हैं? सर अभी खुजली में आराम नहीं है उनको, और कफ कोल्ड उनका ठीक हो गया है, और सभी चीजें वैसी ही है सर अभी। ट्राइजेमिनल ले लिया? उसमें जो उन्होंने जो नॉर्मल जो उनकी डोज चल रही थी उससे आधी तो उनको कफ कोल्ड होने से पहले ही उन्होंने हाफ कर दी थी, और वो उसी डोज पे अभी चल रहे हैं। अच्छा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई उनको मतलब कुछ महसूस भी नहीं हो रहा ऐसा। अच्छा, पर वजन जो है अभी जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि इनका 2 किलो वजन और कम हो गया था, 47 पे आ गया, 49 था इनका, 47 पे आ गया सर अब। एक काम करो, उनको एक हरी टिकी छोड़ दो। सर उनकी कॉन्स्टिपेशन भी जा नहीं रही है बिल्कुल भी। हाँ हरी टिकी छोड़ दो या हरी टिकी रसायन आती है। तो बताओ सर चूरन दो या रसायन दो? रसायन दे दो। ठीक है सर, हरी टिकी रसायन दो। 1 चम्मच रात को सोने से पहले, 1 चम्मच सुबह शाम ही देना, दोनों टाइम दो, ठीक है। और सर एक एक उनका प्रश्न था कि जैसे उनको 4 महीने हो गए हैं अभी दवा रेगुलर लेते हुए, तो उनकी ना तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई है जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी, जैसे उन्होंने बताया था कि मैंने लगभग 1.5 से 2 लीटर जितना कैस्टर ऑयल पी लिया है, और उसके बाद अब कैस्टर ऑयल अब वो पी नहीं पा रहे हैं, तो वो छोड़ दिया उन्होंने और खाली लैक्टुलोज ले रहे हैं, एवी पत्ती का चूर्ण चल रहा है उनका साथ में, और इसके अलावा जो उनका रूटीन था जो मैंने बताया था दिनचर्या कि वो सुबह उठते हैं अपने फ्रेश होने के लिए उनको 1 घंटा लगता है, और उसके बाद वो अपने ऑफिस जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं सर, आधी घंटा वहां लगता है उनको, और लगभग 10-1 मिनट चल के जाते हैं, और वहां पे कोई मतलब जहाँ इनकी फैक्ट्री है जिसमें वो काम करते हैं उनका मोस्टली काम या तो खड़े रहने का रहता है या बैठने का होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते हैं मतलब वो पूरे दिन, तो बोलते रहने का एक कार्य रहता है उनका, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या कोई काम की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रखी है या कोई और कारण है? कितने घंटे घूमते हैं? हार्डली पूरे दिन में 1.5 से 2 घंटे मतलब जो चलने का काम होता है पूरे दिन में। कुछ नहीं, कुछ हाँ उससे कुछ नहीं हो रहा,
तो सर इनका हमने इतना कैस्टर ऑयल दे दिया तो भी मोशन क्यों नहीं इनका सही हुआ अभी भी? एक बार हरी टिकी दो, हरी टिकी दो। और आरकवद आदि कषाय जो चल रहा था तो चलने दो, तो चलने दो, शरीर के अंदर अम्लता नहीं होनी चाहिए, अम्लता होगी तो दिक्कत होगी। सर इनको पंचकार चून नहीं दे सकते? पंचकार? हाँ जी, थायराइड भी इनको, तो वो इनको थायराइड भी है इनको, वो इनको दे तो देंगे, लेकिन हाँ, लेकिन इनको क्या है कि पंचकार चूर्ण वहीं पर काम करेगा, है सनाय है उसके अंदर, हाँ सनाय या तड़ियों को छील देगा पूरा, फिर वो नुकसान करेगा। ठीक है सर, खरीद की रसायन देते हैं वो ज्यादा बेटर है। सर खाने पीने में वो पूछना चाह रहे थे कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे आपने सब खट्टा टमाटर हरी सब्जियां सब बंद थी उनकी, और खाने में केवल वो घिया तोरी टिंडा और परवल की सब्जी, बस यही चार सब्जी खा रहे थे, क्या वो कद्दू और साथ में और कुछ भी खा सकते हैं? दालों में भी केवल एक मूंग की दाल चल रही थी, उसके अलावा और कुछ नहीं खा रहे थे। तो उनके उनसे कहो ना कि चने बनवाओ और रात को भिगाओ और सुबह को बनाओ, फिर चना खा सकते हैं, काले चने, लेकिन हाँ सूखे नहीं खाएंगे, वो रात को भिगो के सुबह को बना के। हाँ जो चने की सब्जी बनती है सर, काले चने की सब्जी, हाँ हाँ तब वो खा ले। ठीक है, कभी कभी वो खा सकते हैं। इसके अलावा सर? इसके अलावा जो शीत द्रव से उत्पन्न वायु से है, मैं अरहर नहीं खिला सकता, मैं मसूर खा सकते हैं। सर सब्जी में क्या खा सकते हैं, जैसे अच्छा, पेठा खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, पेठा तो सर्वश्रेष्ठ है, वो कोई दिक्कत नहीं। पालक नहीं खा सकते अभी? पालक 18 घंटे में पकता है और ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करेगा। सरसों भी नहीं खा सकते? मेथी खा सकते हैं? मेथी खा सकते हैं, सरसों रक्त दूषित करेगी। ठीक है सर, मेथी मैं उनको बोलती हूँ, वो खा सकते हैं। हाँ मेथी खा ले। और इसके अलावा और क्या आता है? आलू, गाजर, मेथी, गाजर भी तो खा सकते हैं सर? गाजर, हाँ गाजर खा सकते हैं, इसमें आलू भी खा सकते हैं। हाँ गाजर मेथी की सब्जी बना के खा सकते हैं मैम। और मैं सर इनमें बेसन का चीला, जैसे वो ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा सा घी डाल के बेसन का पूड़ा बनाते हैं, उसमें भी पृथ्वी महाभूत और स्निग्धता ये चली जाएगी। घी ज्यादा होना चाहिए उसमें? हाँ जी सर, हेपेटाइटिस बी है, तो आपने घी तो आपने बताया पूरे दिन में ही सिर्फ एक चम्मच की मात्रा जा रही है अभी तो। और उनका कोई उनका रसायन चल रहा है? नहीं, सिर्फ बृहदवाचिन्तामणि रस एक उसमें वो चल रहा था, बृहदवाचिन्तामणि। लेकिन सर उसकी मात्रा केवल 1 ग्राम डलवाई है आपने, एवी पत्ती कर चूर्ण के अंदर जो 100 ग्राम एवी पत्ती कर चूर्ण और गोदंती भस्म जितने भी है ये सारे जो हमने बनाया था उसके अंदर केवल 1 ग्राम की मात्रा है। 1 ग्राम बहुत है। ठीक है सर, 1 ग्राम ही बहुत है। वो 15 दिन चलती है इनकी पुड़िया जो हम ये बनाते हैं, तो 1 ग्राम बहुत है। और सर जैसे आपने उस दिन बताया था कि जैसे इनको इतना कॉन्स्टिपेशन चल रहा है और वायु की इतनी वृद्धि है, तो क्या जैसे आप हरीतकी और निशोत बोलते हो वो मिला के अगर चूंड दें तो, क्योंकि इनकी वायु अनुलोमित हो ही नहीं रही पहले दिया सारे? नहीं सर, निशोध कभी नहीं दिया, निशोध कभी नहीं दिया आपने, केवल कैस्टर ऑयल बोला है स्टार्टिंग से वो ही दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। और मैं ये जानना चाह रही थी मात्रा बस्ती दे सकते हैं उनको थोड़ा? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आप तो शीरबला तेल की मात्रा बस्ती बोल दूं? ना शीरबला तेल की मत देना, सहचरा तेल की दो, सहचरादी तेल की। ऐसा है ना, हमको ट्राइजेनोइन निरोलिया का भी ध्यान रखना है, अगर वायु शीतलता को प्राप्त होगी तो वहां परेशानी लग जाएगी। तो सर हरीतकी और निशोत कैसे रहेगा वो पूछ रही थी। निशोत दे दो, दोनों मिला दो, ये दे देते हैं बराबर मात्रा में। मॉर्निंग के टाइम पे हरीतकी रसायन कर देते हैं और इवनिंग के टाइम पे इनको सोने से पहले हरीतकी निशोत का चूरण दे देते हैं गुनगुने पानी से। ऐसा करूँ? ऐसा ठीक है सर। और एक लास्ट चीज सर, जैसे अब इनकी स्टार्टिंग में हमारी सिद्ध मकरध्वज मानस मित्रवटी प्रवाल पंचामृत रस ये सब जो चले थे सब बंद कर दिए थे हमने अभी बीच में, तो ये बंद ही रहने दूं? अश्वगंधा चूर्ण भी आपने मानस मित्रवटी चलाओ, मानस मित्र चलने दूं, मानस मित्रवटी चलाओ, क्योंकि अब ऐसा है ना कि इंडस्ट्री में जाने के बाद 100 तरह की चीजें दिमाग में आती हैं बिजनेस से संबंधित, मानस मित्रवटी चलाओ सर, क्योंकि उनको मेन ये लग रहा है कि उनका हेपेटाइटिस बी इस बार नेगेटिव नहीं आया, 4 महीने बाद जब उन्होंने करवाया तो उनको बहुत इस चीज की टेंशन हो रखी है अभी, आएगा वजन घटता आएगा बड़ा
सर एक चीज इसमें बोलना चाहते थे। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं चाहता हूँ ये बहुत दिन से इसमें जो है फाइलेंथस निर्गुंडी को योग दिलवाइए सर, और जो ये आपने हरित की निषोध बताया अपान काल में सर अगर दिया जाए तो श्रेष्ठ फायदा हो सकता है भोजन के पहले। हाँ, तो निचले हिस्से अपान क्षेत्र में वो कार्य करेगा, कब्ज भी दूर होगा और वाई भी एलुम ज्यादा अच्छी तरह से होगा। तो जैसे आप न्यूरोसिल बताते हैं हेपेटाइटिस के लिए बार बार कहते, तो कंटिन्यूस ये और ये जो हरितकीय निषोध चूड़ है इसको अपान काल में दिया जाए तो दोनों कब्ज भी दूर होगा, वाई का अनुलोमन भी होगा। थैंक्स सर। हाँ तो इसको फिर रात्रि में देने के बजाय रात के भोजन से एक घंटे पहले देती हूँ। नहीं मैम, एक घंटे नहीं, भोजन अपान काल में भोजन के तुरंत पहले देना चाहिए, दो चार पांच मिनट पहले, उसके बाद भोजन करें तभी तो वो उसकी गति नीचे को जाएगा, तो रात भर में अपान क्षेत्र में वो कार्य बढ़िया करेगा। एक घंटे पहले से तो फिर तो हो गया खाली पेट हो गया। ठीक है सर। सर एक आखिरी सवाल, एक हमने एलोपेशिया का केस लिया था अभी 10-15 दिन पहले, एक लेडी मैंने आपको दिखाई थी जिनको सिर पे बिल्कुल भी बाल नहीं थे लेकिन उनके रूट्स के अंदर बाल थे। हाँ। तो उनका जो चल रहा था, एक सेकंड सर, सर उनकी मैं मेडिसिन आपको बता देती हूँ। आपने विडंगासव, खदीरा रिष्ट, दशांग का लेप गोमूत्र में मिक्स करके, नस्य अणु तेल का, स्वर्ण माक्षिक भस्म, गोमूत्र अर्क, पलाश पुष्प अर्क, अर्शोगनी वटी, कैशोर गुगलू, शतावरी चूर्ण और साथ में एक गंधक रसायन वटी और रात को कैस्टर ऑयल, ये सब चीजें आपने चलाई थी उस वक्त। तो इनको लेते हुए आज 11 दिन हो चुके हैं सर, और जो जो लेप के लिए आपने बताया था कि गोमूत्र में लगाना है तो गोमूत्र नाम नहीं मिला उनको, उसकी जगह पे वो अर्क ही यूज कर रहे हैं। ठीक है चलो। तो ये पूछना चाह रही है वो कि ये लेप कब तक लगाना है उनको। हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो 10 दिन हो गए लगाते हुए। हाँ सर 10 दिन हो गए हैं लगाते हुए, अभी वो कह रही है कि अभी मतलब लगभग 6-7 दिन का और बचा हुआ है उनके पास अभी। तो उनसे कहना जितना आपके पास बचा है उतना लगा के छोड़ें, 15 दिन के बाद देखें, मतलब गैप देंगे 10 दिन फिर देखते हैं। एक लास्ट चीज सर, वो ये पूछ रही है कि वो रात्रि में लगा के सो सकती है केस लेप को। बहुत बढ़िया है, रात्रि में लगा के सो जाए तो और अच्छा। हाँ तो फिर क्योंकि आपने 3 घंटे का समय जो बताया था उनको, तो वो मॉर्निंग आवर्स में लगा रही थी अभी, तो वो यही जानना चाह रही थी कि रात्रि में लगा के अगर सो जाए तो, ताकि किसी को पूरे दिन में तकलीफ ना हो जो आसपास रहते हैं। हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रात में लगा के सो जाए। ठीक है। इसके अलावा दवा में कोई चेंज है सर? अभी कुछ नहीं करेंगे हम, पहले ये देखेंगे 15 दिन के बाद, मतलब 7-8 दिन लेप लगा लेंगे, उसके बाद दवाइयां खत्म हो जाएगी, तो 15 फिर 7-8 दिन के बाद फिर उनको एक बार लेके आना। ठीक है सर। 7-8 दिन सर, अब 4 दिन की और मेडिसिन है उसके पास, मेडिसिन तो सारी 4 दिन में खत्म हो जाएंगी उसकी। 4 दिन के बाद ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, तब तक 2-3 दिन का ही तो लेप रह जाएगा, देख ले। हाँ हाँ ठीक है सर, फिर मैं सेशन में लेके आती हूँ उनको। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ भाई का सर, मैंने सर बीपी उनको कैस्टर ऑयल तो उन्होंने पिया ही, फिर मैंने वो बॉक्स का काढ़ा दे दिया उनको, तो अब 150 है उनका। हाँ तो एक बार उनसे क्यों नहीं पिया, तो दूध में डाल के पी लेते हैं सर। दूध में तो कहते हैं उल्टी आ रही है बड़ी मुश्किल में, फिर मैं कभी उसको किसी चीज में देती हूँ कभी कैसे, इस तरीके से मुझसे कहते हैं कि लेते ही नहीं है। तो एरंडील हरित की है? हरित की अभी है नहीं सर, ऑर्डर कर रखा है सर। कैप्सूल आता है गंधर्व अस्तादी, कैप्सूल आता है? है नहीं सर, अभी सर स्टार्टिंग है, अभी तो जितना आप बताते हैं उतनी मेडिसिन खरीदती हूँ। अच्छा आरग्ध महातिक्तम कषाय है? हाँ सर है। कहना 3 ढक्कन पी लो जरा इसमें, डाउन होगा 3 ढक्कन पानी मिला के सर, गरम पानी मिला के पी लो, उनको अमृत की ही संप्राप्ति है, वो ही भंग करनी है जी सर। कारण ब्लड प्रेशर है, बाकी कारण कुछ है नहीं सर। एक चीज और थी सर, वो जो मैंने केस, वो जो गूंगी मेरी मौसी है उनका मैंने कहा था, तो मैंने परसों वीडियो डाला था इसमें सर, कल देखा था। तो श्रुति मैम ने भी बोला था कि वीडियो डालना, सभी लोगों ने मतलब पवन सर सभी मतलब सर ने,
तो इसके लिए सर क्या हुआ सर, उसका आगे मतलब बात कर सकती हूँ उस पर मैं? आज सबने देखा, सुमति जी देखा आपने? देखा सर, लग रहा है कुछ तो शब्द निकल रहे हैं वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अवरोध, ये कब से है सर, मतलब कब से है मैम? मैम इसका मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बताना चाहूंगी इनका। एक्चुअली जब ये मतलब पेट में थे, मतलब नानी के, मतलब इनको कंसीव था तो उनको फीवर आया था बहुत ज्यादा, मतलब कंटिन्यू रहता था फीवर इनको, और डिलीवरी से पहले, जब डिलीवरी मतलब बहुत टाइम तक इनको डिलीवरी के दौरान, मतलब सॉरी प्रेगनेंसी के दौरान फीवर रहता था। तो जब 9th month हुआ तो ये नीचे गिर गई थी नानी मेरी, मतलब पूरे टाइम में, फिर इनको तुरंत मतलब वहाँ पे डिलीवरी करवाया सब। तो 6 महीने तक तो बच्ची को, मतलब जब ये छोटी थी तो इनको सुनाई भी नहीं देता था, तो ये जैसे बच्चे झिंझलाते हैं इस तरीके का गुस्सा आता था इनको बहुत ज्यादा। जब ये 3 साल की हुई तो इनका बहुत गुस्सा बढ़ता चला गया, क्योंकि इनको ना सुनाई देता था ना ही बोल पाती थी बिल्कुल भी। फिर इनको जब ये 5-6 साल की हुई तो इनको देहरादून में, इनको नंदिनी दुनिया विद्यालय है तो उसमें इनका एडमिशन हुआ, तो उसमें ये अपना 10th तक पढ़े। तो उन लोगों ने भी काफी शिकायत किया, इसको बहुत गुस्सा आता आया था। फिर जब 10th के बाद इन्होंने स्कूल से इनको निकाला, मतलब ले आए घर से, मतलब कम्प्लीट हो गया था वो, 10th तक ही था इनका। तो उसके बाद फिर इनका गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ, थोड़ा थोड़ा इनको बोलने में, मतलब कुछ वर्ड निकलने चालू हुए, घर के कामों में इंटरेस्ट आने लगा, सिलाई वगैरह सब कर लेती है, सारा काम घर का कर लेती है हर चीज। तो अब जो है जैसे मम्मा पापा कहाँ बच्चा, ये वर्ड इनके निकलते हैं मतलब। और इनकी मम्मी और जो इनका बच्चा है 6-7 साल का है, वो दोनों तो इनके मतलब बिना बोले भी इशारों को पूरी मतलब बातें सब समझ लेते हैं, और अदरवाइज किसी और सामने वाले से बात करती हैं तो या तो लिख के करती हैं, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग लिख करके बात करते हैं इनसे, तो लिख करके ये पूरा बात कर लेती हैं। और बाकी यही है, बाकी इनको कुछ मतलब बीमारी का ऐसा कुछ इनको कुछ भी है नहीं सर, बस वही आवाज का ही है। चलो अभी थोड़ा सोचने दो। हाँ, बताओ बताओ। क्योंकि ये पहले सुन भी नहीं पाती थी और फिर उसके बाद मेरी आवाज आ रही है। मैं सुन अब भी नहीं पाती है, वो सुन अब भी नहीं पाती है। नहीं नहीं सुन पाती है, पेशेंट को वो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उसका आंसर तो कर रही थी वो। नहीं नहीं इशारों में जैसे बता रहे थे तो पूरा सब इशारा साइड में नानी बता रही थी, तो वो थोड़ा थोड़ा उनको ये रहता है सुनाई देने का, या तो बहुत तेज बोलना पड़ता है। बहुत तेज बोलना पड़ता है तो वो, आप पहले ये बताइए कि पहले वो सुन नहीं पाती थी और फिर वो कुछ महीने या साल बाद वो सुनने लगी, ऐसा हुआ आपने बोला ना? थोड़ा सा हाँ ये चीज हुई है, उनके बर्ड भी निकले हैं मैम, जितना थोड़ा सा निकल पा रहा है ये सब चीजें इनके बाद में हुई है। लिप रीडिंग करती हैं और या फिर सुन पाती, यदि वो पहले सुन नहीं पाती थी और अब सुन पा रही हैं तो ऐसा भी हो सकता है, यदि आप बोल रहे पहले बिल्कुल नहीं बोल पाती थी अब थोड़े थोड़े वर्ड बोल पाती हैं, तो यदि विलिंग हाँ। है तो आई थिंक अपन कुछ वर्ड्स तो सर मुझे लगता है कि ट्राई कर सकते हैं, सुश्रुत देखनी पड़ेगी, तालुगत रोग वगैरह देखने पड़ेंगे क्या कैसा है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 10% तो रिलीफ दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हालांकि है उनकी गर्भावस्था से बहुत क्रोनिक है, असाध्य ही माननी चाहिए, लेकिन हम असाध्य का मतलब ये हो सकता है कि मतलब 5-10% आई थिंक कर सकते हैं, यदि है तो थोड़ा देखनी पड़ेगी सुश्रुत। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, डॉक्टर रीना क्या उनको हियरिंग टेस्ट और कुछ नहीं कराए गए इतने समय में, उनकी रिपोर्ट्स? मैम एक्चुअली रिपोर्टें पहले ही सब मतलब बता रही थी कि बहुत पहले जब बचपन में थे, मतलब देहरादून दिल्ली हर जगह उनको दिखाया गया, फिर सबने यही बोला कि ये जन्म से ही है, इसकी आवाज नहीं आ सकती, फिर कुछ हियरिंग का, हियरिंग का मैम एक पैरामीटर्स होते हैं जिसमें टेस्ट होते हैं बाकायदा। कहे तो मैम मैं एक बार उनको कल बुला लेती हूँ दोनों। एमएमबी होता है हियरिंग टेस्ट, और वेबर टेस्ट होते हैं। हां तो वो हुए कि नहीं मेरा, हां क्योंकि वो टेस्ट नहीं हो सकता कि टेस्ट ना हुए हो, अगर बचपन से हैं तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि टेस्ट नहीं हुए होंगे। उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट बताइए मैम, वहां से पता चल जाता है कि नरवाइन है
या क्या है, अगर नर्व्स पे है तो भी आयुर्वेद कर सकता है, अगर बाकी जगह पे है तो भी, अगर हम एक प्रॉपर हेतु पे या एक कारण पे पहुंच गए कि हमें कहाँ पे काम करना है, तो अगर टूल्स हैं और हम उसकी हेल्प ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक करने में जल्दी असर आएगा। बताऊंगी मैम सर, इनके जो परिवार में है एक बच्चा, मतलब इन्हीं के रिलेटिव है गांव में, तो उसकी भी आवाज नहीं है, मतलब मिलता जुलता परिवार है। हाँ, उस एक बच्चा और गूंगा है, मतलब इन्हीं के परिवार का है, बाकी उससे पहले या बाद में फिर कोई बच्चा गूंगा नहीं हुआ। वो जो गूंगा है वो सुन पाता है कि नहीं, वो सुन पाता है कि नहीं, नहीं उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है। मैम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि पेशेंट सुन ही नहीं पाता है तो वो कभी बोल ही नहीं पाएगा। मेन प्रॉब्लम ये चीज है। मैं कल बुला लेती हूँ उनको, मैं कल उनको बुला लेती हूँ। हाँ कल उनको लेके आओ, ठीक है, 8 बजे। ठीक है सर, 8 बजे लेके आओ। और अब सेशन का एंड कर रहे हैं, आप लोग 5 मिनट में जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये तो मुझे ये सेशन मुझे लैब नहीं करना। 10 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो खाना खाने में। हाँ तो जल्दी से जुड़ जाइए, आप लोग खाना खाइएगा। और लेकिन ऐसा है ना, ये थोड़ा सा सेशन है, ये अपने टाइम टू टाइम होने चाहिए सर। और... आप कर ही दो पवन सर, आप सुनते सुनते खाके जाना, क्योंकि सर वो 10 बजे खत्म हो जाए तो जल्दी रहता है। सर बेटर बेटर नहीं, वो 9 to 10 नहीं सर, शार्प 10 खत्म कर दीजिएगा उसको आप, बिल्कुल शार्प 10। हाँ। और सर मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार यदि वंदना हो गई तो हम दूसरी बार यदि वंदना नहीं करते हैं तो भी चलेगा, हम ईश्वर को प्रणाम करके बस शुरू कर देते हैं, ताकि हम लोगों का टाइम बचे सर, 10:30 बहुत हो जाता है। हाँ, जो दूसरा वाला लिंक है वो दूसरे वाला लिंक पे आप चले जाइए। थैंक यू। ओके सर, ओके, प्रणाम सर, प्रणाम।